हेलो। हेलो। हाँ जी। तो अंबेडकर में आप आए थे जो है सो मिले थे। तो हाँ जी। मेरे वाइफ को डायबिटीज है, तो उसके बारे में कुछ बताने के लिए। हाँ जी। आपका ये फोन व्हाट्सएप पर है? हाँ? आपकी वाइफ कितना पानी पीती है, कितना चाय पीती है? हाँ बात कर लीजिए। हेलो, जी। बात कर। हाँ हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार जी। आप सुबह उठकर खाली नमस्कार। पेट पानी पीते हैं? कितना? हाँ एक गिलास पीती। और पूरे दिन में कितने गिलास पानी हो जाता है? जब प्यास लगता है जब पी लेती हूँ। अच्छा आपको थोड़ा सा अंदाजा ठीक से बताना पड़ेगा। आप मान लीजिए कि आपने सुबह पानी पी लिया, उसके बाद नाश्ते तक आप कितने गिलास और पी लेते हैं? वो तो मैं याद नहीं की हूँ। जैसे कि जब पानी पीने का इच्छा होता है जब लेके पी लेती हूँ। तो आपको ज्यादा प्यास लगती है क्या? तो हाँ जी। आप 1 घंटे में 1 गिलास पी लेते हैं? हाँ पी लेते हैं। आप खाना खाने के साथ में पानी पीते हैं? हाँ कितना? वही एक गिलास खाने के साथ पीते हैं, बाद में पीते हैं? चाय? खाने के साथ ही पीती हूँ। चाय सवेरे पीती हूँ, पानी पीने के दवाई खा के पानी पी के उसके बाद एक कप पीती हूँ। ठीक। और उसके बाद चाय नहीं पीते आप? एक ही कप चाय पीते हैं? फीकी चाय पीती हूँ, कभी कभी 2 कप भी पी लेती हूँ, दो से ज्यादा नहीं पीती हूँ। उसके अलावा लिक्विड में क्या लेते हैं आप? पानी पानी के अलावा और चाय के अलावा क्या लेते हैं? दूध लेते हैं? शाम में दूध 1 गिलास लेती हूँ। और लस्सी वगैरह? लस्सी नहीं पीती हूँ। और कोई नींबू पानी, नहीं कोल्ड ड्रिंक? नहीं आप दही वगैरह ज्यादा खाते हैं? आ दही खाते हैं? दही भी नहीं खाती हूँ, दूध 1 गिलास लेती हूँ बस। वो रोज लेते हैं? पहले भी आप दूध शुरू से लेते आ रहे हैं, अभी शुरू किया है? नहीं मुझे तो 7-8 साल से डायबिटीज है, तो उसी समय से मैं दूध लेना चालू कर दी थी। डायबिटीज होने के बाद दूध लेना शुरू कर दिया आपने? हाँ पहले मैं दूध नहीं पीती थी और दही भी नहीं खाती थी। दही तो मैं खाती भी नहीं थी कभी। नहीं, दही तो अभी भी नहीं खाते ना? नहीं नाश्ते में क्या लेते हैं आप? नाश्ते में रोटी और सब्जी, फिर दोपहर में भी खा लेती हूँ रोटी सब्जी। आपने शुगर कभी चेक करा है कितनी होती है? कितना? हाँ मेरा फास्टिंग ज्यादा रहता है, 250-300 ऐसे रहता है। और जब फास्टिंग के अलावा जब करते हैं 2 घंटे बाद, तो वो कितना आता है? वो उसमें 50 या 60 बढ़ा रहता है। आप घर में चेक करते हैं या हॉस्पिटल में ही चेक करते हैं? हॉस्पिटल में चेक करती हूँ। आपके घर के आसपास है कहीं चेक करने का? अच्छा, अभी तो अम्बेडकर में ही चेक दे के आई हूँ। पर अंबेडकर कितने दिनों में जाना होता है आपका? लैब में मैं करवाई थी, इधर इधर ही करा ली थी तो मुझे 300 आया था ना, 300 आया था। उसके बाद मैंने चेक नहीं करवाया था, अब दे के आई हूँ। सोमवार को मेरा टेस्ट मिलेगा रिपोर्ट। अच्छा, आप एक काम करिए कि आप दूध छोड़ दीजिए, ठीक चाय छोड़ दीजिए, है? अच्छा खाना जो खा रहे हैं वो खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा खाना खाते हुए 1 गिलास पानी पीजिए। 3 बार ठीक खाना खाते हैं, 3 गिलास पानी पी लीजिए एक एक करके। उसके है। अच्छा अलावा पानी बिल्कुल भी मत लीजिए। जब आपको प्यास लगे तो सिर्फ हाँ ठीक एक घूंट पानी पी लीजिए, है। और 3 दिन के बाद शुगर चेक करा लीजिए आपकी कितनी आती है। तीन ठीक तीन या 5 दिन बाद चेक करा लीजिए, अगर आप ठीक से कर पाते हैं। 5 दिन बाद करा लीजिए,
आपका शुगर बिल्कुल जीरो जीरो नहीं, मतलब आपका शुगर 100-150 के बीच में आ जाएगा। और दूसरा अच्छा। एक और काम कर सकते हैं आप, तो वो भी करिए, उससे और अच्छा रहेगा। सुबह उठकर 5 मिनट आप चलेंगे और 5 मिनट दोबारा से लेट जाइए, घर में ही चल लीजिए और 5 मिनट चल के 5 मिनट लेट जाइए। इसको आधा घंटा तक करिए, 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है, फिर 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है, ऐसे करके 3 बार ही चलिए, 3 बार लेट जाइए। और इसको रात को सोने से पहले भी करिए, और दोपहर को जब कभी आपके पास टाइम हो तो आधा आधा घंटा 2 बार और कर लीजिए, दोपहर को कर लीजिए और शाम को कर लीजिए और एक रात को, 4 बार ही कर लीजिए। अगर आपको थकान होती है, पाँव में दर्द होती है, तो उसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, मतलब थकान हो और दर्द हो तब मत करिएगा। तो इसको करके आप 3 दिन बाद बताएंगे, 3 या 5 दिन बाद आप कर पाएंगे इसको? चावल चावल मुझे नहीं छूटता है, चावल मैं खाती हूँ। खाते रहिए, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ पानी को कंट्रोल करना है, और पानी को कंट्रोल करते ही आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। और मेरा ये गायनी में भी प्रॉब्लम हो गया था, तो उसी में चेक करवाई थी तो मेरा शुगर निकला था, इसका ऑपरेशन हो चुका है। कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, उस सब का कोई दिक्कत नहीं है। आप पानी को कंट्रोल कर लीजिए और ये चलने को कर लीजिए। आपको याद रहेगा मैंने क्या क्या बताया है? हाँ जी, 3 बार खाना खाना है तो 3 बार 3 गिलास पानी पीना है, और जब प्यास लगे तो 1-1 घूंट पीना है। हाँ, और अगर प्यास लगे तो छोड़ देना है, दूध भी छोड़ना है, चाय भी छोड़ना है। अगर प्यास लगे तो 1 घूंट पानी पीना है, और उसके बाद भी अगर प्यास नहीं बुझ रही तो कम से कम 15 मिनट इंतजार करना है। तो दूसरी बारी घूंट भरना है तो 15 मिनट बाद, कोशिश करिए कि नहीं पीना पड़े, ठीक है? पर फिर भी अगर प्यास लगती है तो ले लीजिएगा। तो ये तो पानी के बारे में हो गया, दूध नहीं, चाय नहीं, और पानी 3 बारी खाना खाने के साथ में शुरू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा खाने के साथ लेते रहिए। जैसे आपने चावल खाया, थोड़ा सा चावल खा लिया, आधा खा लिया चावल, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, फिर थोड़ा सा खा के थोड़ा थोड़ा पी लीजिए, ऐसे मतलब खाने के साथ साथ पानी खत्म कर दीजिए, ठीक है? पानी का हो गया, और चलने का? चलने का 5 मिनट चलना है घर में और 5 मिनट लेट जाना है आधे घंटे तक। हाँ, इसको 4 बार ही करना है दिन में। आपको टांग वगैरह में दर्द तो नहीं होती? पैर में बहुत दर्द होती है, पैर में दर्द होती है। आपके घर में कोई वो यूज करता है व्हाट्सएप, दूसरा वाला फोन जिसमें वीडियो चलता है? हाँ जी, इस वाले फोन जिससे बात कर रहे हैं इसमें वीडियो चलता है? हाँ। तो मैं एक उसमें वीडियो भेज देता हूँ, उसमें देखकर वैसे एक्सरसाइज कर लीजिए, छोटा सा एक्सरसाइज है, 10-10 सेकंड हाँ। के लिए दिन में 15-20 बारी कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा है, तो उससे टांग का दर्द ठीक हो जाएगा आपका। तो इसमें इनसे बात कराइए, इसमें व्हाट्सएप है कि नहीं है इस नंबर पर? है जी। अगर है तो मैं अभी भेज रहा हूँ, आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, ओके।